आगरा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची घर से कुछ दूरी पर खेल रही थी, इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और बच्ची को बहाने से अपने घर की छत पर ले गया और वहां आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। जब मासूम बच्ची घर पहुंची तो परिजन उसकी हालत देखकर घबरा गए। इसके बाद बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की परिवार वालों को जानकारी दी, जिसके बाद बच्ची के घर वाले आरोपी के घर पहुंचे तो वो नहीं मिला। जैसे ही घटना के बारे में स्थानीय लोगों को पता चला तो उनमें आक्रोश फैल गया। वो सड़क पर जाम लगाने की कोशिश करने लगे। हंगामे की आशंका से आसपास की दुकानें बंद हो गईं, जिसके बाद सीओ सदर महेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। लगभग शाम को 7:30 बजे चौकी शेरनगर थाना सदर बाजार की एक घटना है। एक 7 साल की बच्ची के साथ उसके पड़ोसी एक लड़का है, उसने उसको टॉफी या चॉकलेट के लालच देके बुलाया छत पर, उसके साथ गलत काम किया और उसमें पीड़िता जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा पंज कर दिया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने आरोपी राहुल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।